हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं दीप्ति और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूं कि हम दूध से व्हिप्ड क्रीम कैसे बना सकते हैं। जी हां, यहां पर हम दूध की मलाई से यानी कि बिल्कुल फ्रेश मलाई से बनाकर रेडी करेंगे हमारी व्हिप्ड क्रीम। बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल मार्केट जैसे क्रीम जैसे निकलती है, बिल्कुल वैसे ही बनाएंगे। ये देखिए, मोटी हमारी मलाई बन गई है। अच्छे से आपको अपने दूध को बॉईल करना है और फिर फ्रिज में रख देना है, जिससे कि वो अच्छे से मलाई निकाल दे। और मलाई को हमें यहाँ पर छानना है, तो मलाई को एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे। फ्रेश मलाई होनी चाहिए, ये ध्यान रखें आप। और इसको आपको छानना है बिल्कुल हल्के हाथों से, जिससे कि जो इसका जो मोटा मोटा हिस्सा है यानी कि जो बहुत ज्यादा फैट वाला हिस्सा होता है वो हमारा ऊपर रह जाएगा और हमारी हल्की हल्की जो मलाई है यानी कि जो हमारी क्रीम है वो नीचे आ जाएगी। बस इसको आपको हल्के हाथों से अच्छे से स्टर करना है, अच्छे से इसको निकालना है। हमारी अच्छे से जो सॉफ्ट सी क्रीम है हमारी वो निकल आएगी। ये देखिए, जो मोटा मोटा ये जो हिस्सा होता है ये हमारा बिल्कुल भी क्रीम के लिए यूज नहीं आएगा, क्योंकि ये जो है ये घी निकाल देता है। इसको आप अपनी उस बाउल में निकाल दें जिसमें आप अपने घी जमाने के लिए मलाई को स्टोर करते हैं। ये देखिए, हमारी सॉफ्ट से क्रीम बनकर रेडी हो गई है। तो अब इसको हमें व्हिप्ड करना है यानी कि स्टर करना है। आप चाहें तो सिंपल विस्कर से भी कर सकते हैं, पर मैं इसको इलेक्ट्रिक बीटर से कर रही हूँ। तो इस बात का ध्यान रखें कि जो हमारे इलेक्ट्रिक बीटर के ये जो विस्क हैं ये भी आप थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में रख दें, और जिस बाउल में आप उसको बना रहे हैं वो भी फ्रीजर में रख दें थोड़ी देर के लिए, जिससे ये दोनों चीज अच्छी तरीके से ठंडी रहें। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए सिर्फ 5 मिनट के लिए विस्क करेंगे और उसको फिर से फ्रीजर में रख देंगे 5 मिनट के लिए, जिससे ये ठंडी हो जाए। क्योंकि अगर ये थोड़ी भी गर्म हुई तो ये हमारी बिल्कुल भी अच्छी क्रीम नहीं बनेगी। और यकीन मानिए, बहुत ही अच्छी तरीके से आसानी से घर पर ही क्रीम बनकर रेडी हो जाती है। तो ये देखिए, 5 मिनट मैंने विस्क कर लिया है। अब इसको हम फ्रीजर में रख देंगे 5 मिनट के लिए फिर से। आप देख सकते हैं काफी गाढ़ी हो गई है हमारी जो क्रीम थी। और अब इसमें हमें डालना है कैस्टर शुगर यानी कि आइसिंग शुगर। और एक चीज का कंफ्यूजन हमेशा लोगों के पास रहता है कि कुछ लोग अपने वीडियोस में ये भी बोलते हैं कि जो कैस्टर शुगर या फिर आइसिंग शुगर होती है वो सिंपल पाउडर शुगर होती है, आप अपने शक्कर को घर में पीस लीजिए और आपकी आइसिंग शुगर बन जाएगी। पर ऐसा नहीं है, आइसिंग शुगर में थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर पाउडर भी होता है, जिससे कि वो केक और भी जो चीजों को फुलाता है, गाढ़ा बनाता है। इसीलिए ये जो मैं डाल रही हूँ वो आइसिंग शुगर है। आप जब अपनी शक्कर को पीसें उसमें 1 स्पून कॉर्नफ्लोर पाउडर भी डाल दें, जिससे कि आपकी सिंपल घर में आइसिंग शुगर मार्केट जैसी रेडी हो जाएगी। तो मैंने इसमें डाल दिया है 1/4 स्पून आइसिंग शुगर। वो अच्छे से हम इसको स्टर करेंगे, अच्छे से इसको विस्क करेंगे, जिससे कि हमारी क्रीम है आप देख ही रहे हैं ये बहुत ही आसानी से गाढ़ी होती जा रही है और अच्छी थिक होती जा रही है। ऐसी मार्केट में हमारी क्रीम मिलती है। अब बिल्कुल भी आपको अमूल की फ्रेश क्रीम या कहीं से भी कोई पाउडर क्रीम लाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही आसानी से घर पर आप केक सजाने की क्रीम बनाकर रेडी कर सकते हैं। और अब इसको आप एयर टाइट कंटेनर में अपने फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं पूरे 1 से 2 महीने के लिए। जब भी आप केक बनाएं उसमें इसको यूज कर सकते हैं। तो एक बार जरूर ट्राई करें विथ माय रेसिपी, ये देखिए। और इसको बहुत ज्यादा विस्क ना करें जो हम नॉर्मल क्रीम को ऐसे करते हैं, क्योंकि ये फिर हमने मलाई से बनाई है इसीलिए ये घी भी छोड़ सकती है। तो थोड़ा सा इसको आप स्टर करें, अच्छे से विस्क करें और फिर इसको स्टोर करके रख दें 5 से 10 मिनट के लिए। और जब भी यूज करना हो तो आपको तुरंत इसको निकाल सकते हैं। ये देखिए, हमारी स्टिफ कितनी अच्छी बन रही है, यानी कि हमारी पीक्स निकल आई है इसकी, यानी कि हमारी बिल्कुल रेडी है केक सजाने की क्रीम। तो एक बार जरूर ट्राई करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम फ्लावर्स वगैरह इसके बना सकते हैं। तो एक हम पाइपिंग बैग ले लेंगे हमारे, जिससे कि केक सजाने का जो बैग होता है उसमें हम निकाल लेंगे। और इसको कि जो नोजल्स होती हैं हमारी स्टार नोजल्स वगैरह, तो उसमें लगाकर हम इसको रेडी कर सकते हैं। बहुत ही यमी हमारे घर पर ही केक सजाने की क्रीम व्हिप्ड क्रीम बनकर रेडी हो गई है। अब एक कप ले लेंगे और इसमें डालेंगे हमारा पाइपिंग बैग, और इसमें हम अपने नोजल्स को डाल देंगे और कैंची से काट देंगे। ये देखिए, सीजर से हम इसको यहाँ पर शार्प कर लेंगे, जिससे कि ये अच्छी तरीके से निकल के आ रहा है। और इसमें हम अपनी क्रीम को अच्छे से भर देंगे। और हम जहां पर भी आपको केक सजाना हो या आइसक्रीम या कपकेक्स के ऊपर, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। बिल्कुल अपने घर पर ही हमने बनाकर रेडी कर ली है दूध से सिंपल
हमारी मलाई से व्हिप्ड क्रीम, तो एक बार जरूर ट्राई करें। इसको अच्छे से हम फिल कर लेंगे और हम रेडी कर लेंगे हमारे फ्लावर्स, और जो भी आप चाहें डिजाइन अपनी बनाकर रेडी कर सकते हैं। बस मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत अच्छी हमारी व्हिप्ड क्रीम बनकर रेडी हुई है, और अगर आप इसको फ्रीजर में या फ्रिज में 10 मिनट के लिए रख देंगे तो ये और ज्यादा परफेक्ट बन जाएगी, बिल्कुल मार्केट जैसे, क्योंकि मुझे आपको दिखाना था इसीलिए मैं तुरंत ही इसको आपको शेप बनाकर दिखा रही हूँ। फिर भी लेकिन हमारी जो क्रीम है बहुत ही अच्छी बनी है, लेकिन अगर आप 10 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे तो ये और भी ज्यादा परफेक्ट हो जाएगी, थिक हो जाएगी। ये देखिए हमारी बहुत ही आसानी से सॉफ्ट यमी टेक्सचर वाली क्रीम बनकर रेडी हो गई है। अगर ऐसी ही यमी यमी रेसिपी देखना चाहते हैं आप तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें फॉर माई लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन, टोटली फ्री, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। Thanks for watching.